नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं दैनिक राशिफल 29, 30 और 31 अगस्त के लिए। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका दिन कैसा रहेगा। अब चलते हैं हमारी 11वीं राशि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की ओर। आपके लिए जो पहला कार्ड अपेयर हुआ है यह है 3 of the Wands, दूसरा कार्ड अपेयर हुआ है 4 of the Swords का और तीसरा कार्ड जो अपेयर हुआ है यह है 7 of the Wands का। तो कुंभ राशि, आपका जो 29 अगस्त का दिन है, इस दिन आप देखेंगे कि आप दुनिया और समाज से हट करके कुछ अपने लिए बनाना चाहते हैं और कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें। तो अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। इस दिन आपको एक नया रास्ता भी दिख सकता है। आपको ये लग सकता है कि जीवन में अगर आपको प्रगति और सफलता चाहिए तो उसके लिए कई सारे विकल्प हो सकते हैं, जिनमें से एक विकल्प 29 तारीख को आपके सामने आ जाएगा। तो उस पर थोड़ा ध्यान दें। लोग क्या कहेंगे इसके बारे में सोचना बंद कर दें और लोगों को भूल जाएं। अगर परिवार में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा था तो 30 अगस्त के दिन आप देखेंगे कि उसकी बीमारी में जो रिकवरी बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि उनकी रिकवरी और अच्छे से हो जाए। और 30 अगस्त का दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी बिगड़े या टूटे हुए संबंध को फिर से बनाने में भी। 30 अगस्त के दिन आप अगर अपने आप को कुछ एक ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी व्यक्तित्व को कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन बहुत हेल्प करेगा। 31 अगस्त का जो दिन है, इस दिन आपकी समाज में स्वीकार्यता बढ़ेगी और आप समाज में एक सशक्त भूमिका निभाने के लिए मन से अंदर से तैयार होंगे। 31 अगस्त के दिन आपको अपने आप में एक ऊर्जा और एनर्जी और आत्मविश्वास महसूस होगा कि अब आप समाज का सामना करने को बिल्कुल तैयार हैं। और 31 अगस्त को ही आपको ये भी फीलिंग आ सकती है कि आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं कोई नया व्यापार करने के लिए या इंडिविजुअल अकेले कोई व्यापार आगे बढ़ाने के लिए। 31 अगस्त के दिन आप अपने जीवन से जुड़े पर्सनल मामलों में कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद हो। 31 तारीख को धन को लेकर के आपको कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि धन को कहां और कैसे खर्च करना है इस बारे में आप बहुत ज्यादा सोचेंगे। ओवरऑल ये जो 3 दिन आपके हैं, इन 3 दिनों में किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या नहीं होगी जो आपको बहुत परेशान करे। परिवार के साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा, मित्रों के साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा, लेकिन 30 तारीख को थोड़ा सा कहासुनी हो सकती है। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो प्रेमी के साथ भी आपके संबंध मधुर और सुखद रहेंगे इन पूरे 3 दिनों में। तो दोस्तों, ये था राशिफल 29, 30 और 31 अगस्त के लिए। मेरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप कुछ इसमें नया चाहते हैं या आपके कोई सुझाव हैं तो उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो को अगर आप लाइक करें और अपने मित्रों या परिवार के साथ शेयर करें तो बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।